हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाने वाले हैं टमाटर की खेती बाड़ी। अब देखिए, हमने टमाटर के खेत में खड़ा है, हम देख सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं, कैसा फर लगा है, कैसा नहीं लगा है, पक रहा है, क्या हुआ है, अच्छा है, ख़राब है। आज हम इसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। हमने टमाटर को तोड़ना भी शुरू कर दिया है, हमने कुछ तोड़ा है तो दिखा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है टमाटर की। चलिए हम बैक कैमरा से दिखाते हैं। उससे पहले देखिए, हमने चारों तरफ जाल लगाए हैं जो लीलगाय से बचने के लिए लगाए हैं। ये लीलगाय बहुत ही हमें परेशान करते हैं, सभी टमाटर को या कोई भी फसल हो सभी को बर्बाद कर देते हैं। आते हैं, धांग देते हैं, कचार देते हैं, जो खाते हैं खाते हैं, बहुत ही नुकसान करते हैं। इसी की वजह से हमने जाल लगाए हैं। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 150 रुपये के जी लमसम पड़ता है। उसमें 5 से 6 KG लगा है, देख सकते हैं, वहाँ से शुरू हुआ है। अब देख सकते हैं उतना दूर में लगा है। चलिए और हम दिखाते हैं टमाटर की फसल कैसा है बैक कैमरा से। उससे पहले अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही हम वीडियो आप तक पहुंचाते रहें खेतीबाड़ी के बारे में। देख सकते हैं हमने यहाँ टमाटर तोड़ना भी शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं मैंने अभी 5 ही तोड़ा है, 5-6। देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी सही है, एक साइज कितना बड़ा बड़ा है। और अभी पकना शुरू हो गया है और इसका फर दिखाते हैं कैसा है। देख सकते हैं यहाँ पे उसका फर लगा हुआ है, टमाटर कितना सारा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा फर लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे तो छोटा सा पका हुआ है, ये पता नहीं छोटा में ही क्यों पक गया, वो इधर से ख़राब हो गया इसकी वजह से या छोटा में ही पक गया। अब देख सकते हैं कितना दूर में टमाटर रोपा हुआ है। चारों तरफ से जाल का घेरावा किया हुआ है अच्छी तरह से। देख सकते हैं एक तो ऊपर में भी रस्सी लगाया हुआ है और एक तो नीचे में भी, ताकि अच्छी तरह से टाइट रहे। और देखिए सियार है जो कैसे काट दिया है सब। सियार भी इस जाल को बहुत बर्बाद करता है, इसी की वजह से हमें इतना ज़्यादा उठा के रखना पड़ता है। अब देख सकते हैं कितने ज़्यादा उठाया हुआ है ज़मीन से, हम सब 2 फीट हुआ उठाया हुआ है, ताकि सियार परेशान ना करे। टपर भी परेशान कर देता है, देखिए काट दिया है, कितना उठाया हुआ है टपर भी। चलिए हम टमाटर के बारे में और दिखाते हैं। देखिए यहाँ कितनी अच्छी लगा हुआ है फसल, इसमें हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गया है, हमने दिखा ही दिया, पकना स्टार्ट हो गया है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। देख सकते हैं अभी भी यह फर लग रहा है और इसमें फूल लगा हुआ है। हमने मचान विधि नहीं शुरू टमाटर या लगाया है, बस केवल लर से ही जो होता है, मचान विधि हम नहीं करते हैं। वैसे जमीन पर ही यह लर पसार कर फरता है। आप लोग किस प्रकार से करते हैं आप लोग और कहां से हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देख सकते हैं कैसी क्वालिटी है, आप लोग देख सकते हैं यहां पे किस प्रकार से फर लगा हुआ है, एक पैक चढ़कर फर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे लार भी बहुत ही बड़ा बड़ा किया हुआ है। देखिए हमने इतना टमाटर तोड़ लिए हैं, तोड़कर जा रहे हैं दूसरा खेत में तोड़ रहे हैं। एक थोड़ा नीचे गिर गया, चलिए पहले हम उठा लेते हैं। ये हमने उठा लिया टमाटर को, हम चलते हैं अब सेकेंड खेत में जा रहे हैं। देखते हैं इतना हमने तोड़ा है, और भी हमने तोड़कर एक दो घंटा पहले ही हमने लग गया था, तो हमने फिर से आया देख घूरने हमने आया घूरने तो देखा कि यहाँ पे पका हुआ टमाटर छूट गया था
तो हमने उसको भी तोड़ लिया। चलते हैं अब हम सेकंड खेत में आए हैं तोड़ने कि उसमें भी छूटा क्या। देखिए हमने इसमें भी जाल लगा कर रखा है चारों तरफ से, हम देख सकते हैं, ताकि नीलगाय परेशान न करे। चलिए हम अंदर जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा फसल लगा हुआ है फर, अब देखते हैं अभी यह छोटा छोटा अभी यह बढ़ेगा। देखिए इसमें कीड़ा भी लग गया है एक को, देखिए कीड़ा लगा हुआ है उसमें, उसका हमने दवाई दिया था, लमसम ठीक ही हो गया है। अब देख सकते हैं इधर सीआर ने जाल को काट दिया है, देखिए इसका मेरा सिर कटा हुआ है, अब देख सकते हैं बहुत ही बर्बाद करता है सीआर लोग। देख सकते हैं इसमें भी छूट गया है टमाटर पका हुआ। अगर आप लोगों को यह वीडियो टमाटर के बारे में अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा ही हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। और लाइक करना ना भूलें, ताकि